तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में जो पानी आता था वो था 5600 क्यूबिक मीटर। आज सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से में। जो पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो है सिर्फ 30 दिन की, हिंदुस्तान की 190 दिन की। मिस्र जिधर बारिश नहीं होती वहाँ 1000 दिन की कैपेसिटी है। जो दुनिया समझती है कि सेफ कैपेसिटी है एक मुल्क के लिए, जो सेफ लेवल है वो 120 दिन है, हमारे पास सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है। इसका मतलब कि हमें डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए नागुजीर है। अब ये अब हम अगर हमने अब ना डैम बनाने शुरू किए, आगे आने वाले दिनों में हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा मसले मसाइल का पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं जिसको अभी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने डैम ना बनाए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 7 सालों में यानी 2025 में पाकिस्तान में खुशकसाली शुरू हो जाएगी, हमारे पास पानी नहीं होगा अपने अनाज उगाने का, अनाज नहीं होगा अपने लोगों के लिए, यहाँ खुदा ना खास्ता कहत पड़ सकते हैं। लिहाजा आज से हमने डैम बनाना शुरू करना है। और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूँ इस चीज़ पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। ये मसला अभी से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले 30 साल से लोगों को नज़र आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जा रहा है। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए था कि यहाँ पानी की प्रोविजंस करनी है, सारी दुनिया कर रही है। तो मैं आज चीफ जस्टिस के साथ मिलके मैंने उनसे बात कर लिया है, उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। उन्होंने उस फंड में अब तक 180 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। लेकिन मैं जो आज जिस लेवल पे आज फंड रेजिंग कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूँ, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। लेकिन मैं ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मेरी शौकत हानम बनाने में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में मदद की, हर साल जो शौकत हानम में 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज पे खसारा होता है, तकरीबन आधा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं। तो मैं आज अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें, $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्ज़े ना मांगने पड़े। दोनों तरफ दोनों इस वक्त मुश्किल है, एक तो डैम बनाना है, दूसरा हमें डॉलर्स चाहिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की इस वक्त कमी है, हमारे रिजर्व्स कम है, तो हमारे रिजर्व्स भी ठीक हो जाएंगे, हमें किसी से कर्जे मांगने भी नहीं पड़ेंगे, और दूसरा हमारा डैम का फंड बनना शुरू हो जाएगा, डैम में इतना पैसा आ जाएगा कि हम इंशाल्लाह 5 साल में ये डैम बना सकते हैं। और सिर्फ देर इसलिए लगती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, वो जब पैसा नहीं होता वो देर लग जाती है, जब देर लगती है तो वो होता है जो नीलम जेलम से हुआ कि 80 अरब रुपए की डैम बननी थी, क्योंकि पैसा नहीं था देर होती गई, आज 500 अरब से ज़्यादा ऊपर चला गया उसका खर्चा। तो लिहाजा इस फंड, ये सिर्फ फंड जाएगा डैम बनाने में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई $1000 नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, दुबई में हैं, UAE में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, जितना भी आप पैसा भेज सकते हैं आप इस फंड में भेजें। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, मैं चाहता हूं कम से कम $1000 भेजें, नहीं तो उससे ज़्यादा भेजें अगर आप भेज सकते हैं। ये डैम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सारी चीज़ें एक तरफ, ये डैम एक तरफ है। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूँ कि एक दफ़ा मिस्र के लोगों ने डैम बनाई थी, उधर भी उनको कोई बाहर से कर्जे नहीं मिल रहे थे, हमें भी इस वक्त बाहर से कोई कर्जे नहीं देगा, हमारे पास इतने ही कर्जे चढ़ चुके हैं, वो
ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہی ہے, تو اور قرضے ہمیں کسی نے نہیں دینے. سو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے, ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں. صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا, یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا. اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں, باقی جماعتیں ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, لیکن خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو باہر ہماری تنظیمیں ہیں, میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں. وزیراعظم پاکستان عمران